हे गाइस, मैं सुजीत टूरिंग चैनल में आपके फिर से स्वागत है। आज मैं मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट का एक टॉपिक कवर करूंगा, फिट। तो फिट क्या होता है इसके बारे में पूरा जानूंगा, ठीक है। तो फिट होती क्या है? द रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू पार्ट शार्प एंड होल विच आर टू बी असेंबल विद रिस्पेक्ट टू द देयर डिफरेंस इन द साइज बिफोर असेंबली इज कॉल्ड फिट। फिट क्या होता है? जैसे कपड़े हम लोग पहनते हैं, ठीक है, तो कपड़े में हम लोग देखते हैं ये कपड़े हमारे अंदर फिट आते हैं कि नहीं, ठीक है, फिट आती है। इसमें कितना आप उसको लूज रखेंगे कि वो आपके लिए फिट में कहलाएगा, जो आपको अच्छा दिखेगा, ठीक है। उसी तरह अगर नट बोल्ट में अगर देखेंगे तो इसके अंदर भी कुछ क्लियरेंस होगी, ठीक है, जो आप रोटेट कर रहे हैं नट को बोल्ट के साथ, उसके अंदर भी कुछ क्लियरेंस होगी, ठीक है। तो उस क्लियरेंस को ही हम लोग, उस संबंध को बोलते हैं हम लोग फिट, ठीक है। तो इसके सामने आपके सामने एक होल दिख रही होगी, इसको होल बोलते हैं और इसको बोलते हैं शार्प। जो आपके सामने यहाँ पे दो चीज दिख रही होगी, इसको बोलते हैं शार्प, इसको बोलते हैं होल, ठीक है। ये भी आपका ये हो गया होल, ये हो गया शार्प, ठीक है। ये जान गए आप फिट क्या। बात देखेंगे हम लोग टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ फिट के बारे जानेंगे। फिट जान गए, होल क्या है जान गए, शार्प क्या है जान गए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फिट्स में चलते हैं। टाइप्स ऑफ फिट्स, इसमें तीन तरह के फिट्स होते हैं, ठीक है। एक पहला होता है क्लियरेंस फिट, दूसरा होता है इंटरफेरेंस फिट, तीसरा होता है ट्रांजिशन फिट। तो क्लियरेंस फिट क्या होता है? द फिट विच ऑलवेज प्रोवाइड द क्लियरेंस इज कॉल्ड क्लियरेंस फिट। इनहेंस टॉलरेंस यूज ऑफ द होल इंटायरली अबव द शाफ्ट। जैसे कि होल और शाफ्ट के बीच जो क्लियरेंस रहना, उसी को बोलते हैं हम लोग क्लियरेंस फिट। जैसे आपके सामने यहाँ पे एक ड्राइंग दिख रही होगी, जिसमें से देखिए ये जो है आपका होल है, जैसे यहाँ होल लिखा है ना, ये जो जितना ब्लैंक व्हाइट दिख रहा है यहाँ होल है, ठीक है, होल है और ये आपका शाफ्ट है। तो आपके बीच में इतना क्लियरेंस, ये जो क्लियरेंस दिख रहा है आपको, ठीक है, ये क्लियरेंस को मैक्सिमम क्लियरेंस यहाँ पे है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्लियरेंस फिट बोलते हैं। टाइप्स ऑफ दो तरह का होता है इसमें क्लियरेंस फिट, रनिंग फिट और स्लाइडिंग फिट, ठीक है। रनिंग फिट में क्या होता है, उसमें क्लियरेंस ज़्यादा होता है, ठीक है, उसमें आप क्लियरेंस देख पाएंगे, इतने क्लियरेंस है। और स्लाइडिंग फिट में क्या होता है, थोड़ा उसमें स्लाइडिंग करना पड़ता है, थोड़ा सा उसको प्रेस करना पड़ता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग स्लाइडिंग फिट। दो तरह का फिट आते हैं क्लियरेंस फिट में, ठीक है। दूसरा देखेंगे इंटरफेरेंस फिट क्या होता है। द फिट विच ऑलवेज प्रोवाइड अ इंटरफेरेंस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस फिट। इनहेंस द टॉलरेंस यूज ऑफ द होल इज इंटायरली बिलो द शाफ्ट, ठीक है। ये क्या होता है, थोड़ा सा सख्त होता है, ठीक है, ये जल्दी नहीं जाती है, जो होल्ड रहेगा होल्ड में शाफ्ट नहीं जाती है पूरी तरह से, अच्छी तरह से, ठीक है, थोड़ा टाइट रहता है, उसमें जो गैप नहीं के बराबर रहती है, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग उसको प्रेस करके, मतलब उसमें अगर हैमर से, हाइड्रोलिक प्रेस से, ठीक है, उसको प्रेस करके हम लोग उसको अंदर करवाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने यहाँ पर दिख रही होगी एक फोटो, जैसे ये होल है, ठीक है, ये होल है जिसका, देखिए होल का दिया हुआ 1.505 और 1.500, ठीक है, और इसमें देखिए जो शाफ्ट है आपका 1.510, तो उससे ज़्यादा है, तो इस तो जाने में दिक्कत होगी, होल का साइज छोटा है, शाफ्ट का साइज बड़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें तीन तरह का इंटरफेरेंस पाई जाती है फिट, ठीक है। एक आता है ड्रिविंग फिट, एक आता है फोर्स फिट, एक सिंकेज फिट आता है। ड्रिविंग फिट ऐसा होता है जिसमें हम लोग जो होल रहेगा उसके ऊपर शाफ्ट को हम लोग कुछ हैमर से प्रेस करके हम लोग उसको इन करवाते हैं, ठीक है ना। ड्रिविंग फिट में हम लोग हैमर से प्रेस करते हैं। फोर्स फिट क्या हुआ, इसमें दो तरह से इसमें फोर्स लगाया जाता है, एक हाइड्रोलिक और एक पैनामेट। और सिंकरेज में क्या होता है, इसमें सिंकरेज में होता है जैसे कि इसका होल जो होता है, ठीक है, होल साइज से शाफ्ट, होल साइज छोटा रहता है, शाफ्ट बड़ा रहता है, तो होल को क्या किया ना, हीट किया जाता है, होल्ड को हीट किया जाता है। हीट करने के बाद जब वो हीट हो जाती है, उसके बाद इस शाफ्ट को उसके जगह में ले जाके उसको इन करवा जाता है। हीट करने से उसमें फ्लेक्सिबल आ जाती है, उसके बाद होल थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसको इन कर दिया जाता है, ठीक है, ये होता है सिंकेज फिट। लास्ट में हम लोग देखेंगे ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट क्या होता है, द फिट विच प्रोवाइड आइदर अ क्लियरेंस और इंटरफेरेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिशन फिट। मतलब क्या होता है ट्रांजिशन फिट, उसको बताया ना ये क्लियरेंस फिट है ना इंटरफेरेंस फिट है, ठीक है, वो दोनों नहीं है, दोनों के बीच का है कॉम्बिनेशन। जैसे वो ना आपको ज़्यादा क्लियरेंस मिलेगा, ज्यादा लूज लगेगा, ना आपको टाइट लगेगा, ठीक है। इसमें आप सॉफ्ट हैमर से इसको प्रेस करके, जिसको बोलते हैं मैलेट, मैलेट जो हैमर होता है उससे प्रेस करके हम लोग उसके अंदर करते हैं। हैमर जो होता है उसे सॉफ्ट हैमर भी रहता है, ठीक है, इसमें पुश करके हम लोग करते हैं, जो कि तीन तरह का होता है, एक लाइट पुश, एक मीडियम पुश, एक हाई पुश, ठीक है, तीन तरह से हम लोग इसको पुश करके किया जाता है, ठीक है।
एक सामान अगर हल्का सा प्रेस किए तो अंदर चल जाएगा, थोड़ा मीडियम थोड़ा थोड़ा और जोर लगाए, और हाई पुश में थोड़ा ज़्यादा प्रेस करके उसमें इन करवाए, ठीक है। तो एयर ट्रांजिशन पिट जो वो ना क्लियरेंस पिट है ना इंटरफेरेंस पिट है, ठीक है, ये हो गया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड ISO सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिट, ठीक है, जिसमें 28 फंडामेंटल डिविजन के बारे बात करेंगे, 25 टॉलरेंस ग्रेड के बारे बात करेंगे, 0 IT 01 से IT 018 तक, 18 तक पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। IS 919 फंडामेंटल डिविजन टॉलरेंस ग्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में बेल आइकन उसको भी प्रेस करिए जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल पाए, ठीक है, धन्यवाद।